Lords Institute of Engineering and Technology, Hyderabad ka wahid Muslim minority autonomous engineering institute affiliated to Usmania University. Behtreen placements ke saath. Assalamu alaikum nazreen, aaiye nazarte hain aaj ki ek bahut badi khabar par, kyunki jo hai aaj ki hamari ye khabar hai Huzurabad se. Aap samajh chuke honge ki Huzurabad se kya khabar hum aapko dene ja rahe hain. Jaisa ki nazreen, pure Telangana state ki nazar thi Huzurabad ke by election ko lekar ki aakhirkar wahan ka election कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या टीआरएस जीतेगी. खैर बीजेपी को तो आप बाजू रख दीजिए, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार इटेला राजेंदर वहां पे एक नाम रखने वाले कैंडिडेट थे, जो है वहां की आवाम काफी पसंद किया करती थी इटेला राजेंदर को. इटेला राजेंदर जो के साबिक हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे तेलंगाना स्टेट के. वहीं पर नाजिन हम आपको याद दिलाते चले कि हुजूराबाद के इलेक्शन को लेकर टीआरएस पार्टी कितनी अलर्ट थी, और यहां तक कि हमारे सीएम केसीआर ने बड़ा ही महंगा इलेक्शन लड़ा था हुजूराबाद का. यूं सुनने में आया था कि सोर्सेस के हिसाब से लगभग 10,000 करोड़ का इलेक्शन लड़ने वाले हैं सीएम केसीआर, क्योंकि हुजूराबाद का इलेक्शन इनके लिए बहुत बड़े मायने रखने वाला था. आखिरकार जो है इतनी जद्दोजहद करने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, आखिर टीआरएस पार्टी की शिकस्त वहां पर क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है. नाजिर हम को बता दे चले कि आज जो है काउंटिंग का दिन है, लगभग आधे से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन इस काउंटिंग में जो है पहले राउंड से ही इटेला राजेंद्र आगे चल रहे हैं. लगभग 14,000 वोटों से ज्यादा पर इटेला राजेंद्र इस वक्त चल रहे हैं. हम आपको बताते चले कि 17वीं राउंडिंग है, यानी पहली दूसरी तीसरी 17वीं राउंडिंग आ चुकी है. 17वीं राउंडिंग में भी जो है इटेला राजेंद्र लीड कर रहे हैं. अब जाहिर सी बात है हुजूराबाद का इलेक्शन यूं समझिए कि इटेला राजेंद्र जीत चुके हैं. और हम आपको बता दे चले तकरीबन जो है इटेला राजेंद्र ने यानी बीजेपी पार्टी ने अब तक 80,000 वोट हासिल किए हैं, जबकि टीआरएस पार्टी जो है 56,000 वोट हासिल कर चुकी है. लेकिन जीत इटेला राजेंद्र की पक्की है. लेकिन हम आपको बताते चले शायद ये वोटिंग जो हुई है ये कोई पार्टी सियासी पार्टी को देखकर नहीं हुई है, बल्कि कैंडिडेट को देखकर हुई है, यानी उम्मीदवार को देखकर हुई है. हुजूराबाद के लाडले प्यारे इटेला राजेंद्र को कामयाबी हासिल हो रही है, और बस यूं समझिए थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा और इटेला राजेंद्र वहां से इलेक्शन जीत जाएंगे. बस यूं समझिए कि इटेला राजेंद्र वहां से इलेक्शन जीत चुके हैं. बहरहाल जीतेगा कोई, फायदा होगा किसी को. नाजिन हम आपको याद दिलाते चले कि जिस समय जो है हुजूराबाद का इलेक्शन हो रहा था उस समय जो है पैसों के लिफाफे भी बांटे जा रहे थे, 10,000, 20,000 के लिफाफे बांटे जा रहे थे. सोचिए एक वोट की कीमत 10,000, 20,000 हो तो पता नहीं वहां का इलेक्शन कितना महंगा हुआ होगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं. आखिरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, जीत जो है बीजेपी पार्टी की हो चुकी है हुजूराबाद में. और बस नाजिन थोड़ी देर में रिजल्ट आउट हो जाएगा और इटेला राजेंद्र जीत जाएंगे. हम आपको बता दें कि नाजिन इलेक्शन कमीशन ने यह ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन जीतने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो भी कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है उसको एक आदमी के साथ एक सिंपल तरीके से आना चाहिए और रिटर्निंग ऑफिसर के हाथों विनिंग सर्टिफिकेट लेकर चले जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बड़े ही सख्ती से मना किया है कि विनिंग कैंडिडेट रैली की शक्ल में नहीं आ सकता विनिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए. नाजिम मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि इलेक्शन हो गया है, कैंपेनिंग हो गई है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब जो है कोविड के प्रोटोकॉल को याद किया जा रहा है. कोविड के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए विनिंग कैंडिडेट को आना चाहिए और विनिंग सर्टिफिकेट लेकर खामोश चले जाना चाहिए, इस तरह से कहना है इलेक्शन कमीशन का. तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खसूसी खबर हुजूराबाद के बाय इलेक्शन को लेकर. हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब. इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल. वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन. एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.